हेलो क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स, फोर्थ लेसन आपका एमएस पेंट हम कंप्लीट इसे कर चुके हैं एंड आपके सेकंड यूनिट टेस्ट में आपने प्रिपेयर करना है एमएस पेंट चैप्टर नंबर आपका 4। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसे काफ़ी बार एमएस पेंट हमने किया है, तो इसे आप अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम छोटा सा टॉपिक हम ले लेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5th एल्गोरिथम, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि जो आपका 4th लेसन है एमएस पेंट बहुत इजी है, आपने प्रिपेयर करना है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। तो एल्गोरिथम का आपका छोटा सा हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इसको। एल्गोरिथम पेज नंबर आपका 59, सोपनियो पेज नंबर 59। A sequence of steps followed to solve a specific problem is called an algorithm. अब algorithm क्या होता है आपका, किसी भी एक जो आपका एक particular एक specific जिसे कहेंगे एक किसी भी आप जो आपकी समस्या है, एक particular समस्या है, ठीक है, उसको हम जैसे हम कोई प्लस का सम्स करते हैं, माइनस का सम्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं किसी भी समस्या है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप भी क्या करते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको जैसे सपोज करें कि आप क्लास में हैं, अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर आपकी सपोज ख़राब है, ठीक है, तो उसे भी आप कैसे करते हैं, ऐसे ही नहीं कि आप सीधा अच्छा से लिखना लग गए, तो आप धीरे धीरे हर जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं आप हर अल्फ़ाबेट्स को क्या करेंगे अच्छे से अलग अलग सेपरेट उसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है, फिर आप उसको वर्ड्स में अच्छे से लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी क्या हो जाएगी आपकी इम्प्रूव होगी, सही होगी। इसी तरीके से कोई भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या है आपकी डेली लाइफ में है या किसी भी सब्जेक्ट में है, तो आप उसके क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से आपका एल्गोरिथम भी क्या है कि आप किसी भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही क्या करेंगे आप काम करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं एल्गोरिथम। वी फॉलो एल्गोरिथम इन अवर डे टू डे लाइव्स, अ रेसिपी यूज टू कुक फूड इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम, फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम फॉर रीडिंग स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी बुक्स। अब डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, अगर हम स्कूल जाना होता है तो ऐसा नहीं होता कि हम सुबह उठे और सीधा स्कूल चले गए, स्कूल भी अगर हम जाते हैं तो सबसे उठते हैं हम, फ्रेश होते हैं, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपना बैग अरेंज करके रखते हैं, अपने शू पॉलिश करते हैं, पहनते हैं, ठीक है, आप कोई व्हीकल से जाते हैं तो आप व्हीकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं तो वो आपको जाते हैं, तो एक हर काम करने का एक क्या होता है एक तरीका होता है, हर तरीके में स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 2 इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके किसी भी काम करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि आप डेली लाइफ में भी आप अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो हर काम करने का क्या होता है एक प्रोसेस होता है। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, तो अगर आप सब्जी बनानी है तो ऐसा नहीं है कि आप सब्जी सीधा ही आप कुकर में डाल देंगे या कढ़ाई में डाल देंगे तो बन जाएगी, सबसे पहले आप वॉश करते हैं, कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपना क्या करते हैं वर्क आप करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको, अगर आपको एक स्टोरी आपको पढ़नी है स्टोरी बुक से, ठीक है, एक कहानी किताब से आप एक कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे गेट द बुक, आप सबसे पहले अपनी अलमीरा से या अपने बैग से क्या निकालेंगे बुक निकालेंगे, जो भी आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी है। सेकंड में आप क्या करेंगे ओपन द बुक, तो आप जो भी आप बुक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं उस पेज को या उस चैप्टर आप ओपन करेंगे, ओपन द बुक। एंड थर्ड में आप क्या करेंगे रीड करेंगे, आप अपनी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे स्टोरी बुक से, जो भी आप स्टोरी आपने चूज़ करी है, और जब आप पढ़ लेंगे तो फोर्थ स्टेप में आप क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, अपनी किताब को बंद कर देंगे और सेम प्लेस में जहाँ से आपने निकाली थी वहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपका क्या हुआ है वर्क हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने बुक निकाली और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया और आपने रख दी बुक, तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, आपको कोई स्टोरी समझ में आएगा नहीं। तो किसी भी काम करने का तरीका होता है उसका एक प्रोसेसिंग होता है, स्टेप्स होते हैं उसमें, तो वही हमारा क्या होता है एक एल्गोरिथम।
तो ये हमने आज चैप्टर न्यू स्टार्ट कर दिया है। अभी आप अपने फोर्थ लेसन एमएस पेंट आप रिवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए। सो थैंक यू क्लास।